ना धैले बनी ये थी हो चला जा तो पढ़ा रही जा हमने के काची उपनिषद उपनिषद में कितना 108 गो ओकरा बाद का पढ़नी जा पुराण पुराण कगो 18 गो आ फिर पढ़नी जा काची वेदांग वेदांग कगो 6 गो एगो दे देला वेद वेद कगो 4 गो वेद के अगर तारा बढ़िया से समझे के बाद तब वेदांग पहले पढ़ल जरूरी रहला काहे कि तनी आसान भाषा में बा ठीक वेदांग 6 गो बा यही से हां माने ना समझ में आई तो ठीक आ स्वर्ग कहि कगो बा स्वर्ग की संख्या 8 गो बा ठीक तरंग के दर्जा दियल बा ठीक बा स्वर्ग कगो 8 गो अब याजी जी कोना में तो चलो जब तनी ऋग वेद में देख लिया ऋग वेद में का चलो रहे कि ऋग वेद में कितना मंडल 10 गो ओकरा बाद कहि कि सूक्त कगो 10 से 28 गो ओकरा बाद ऋचाओं कगो बा 10462 गो बानू ओकरा बाद हे में कह दी कि सूक्त कगो बा साम वेद में तो 1810 1810 रहे ठीक बानू आ कह दी कि हेकरा में गौर पद के चर्चा बा यजुर्वेद में ठीक आ कह दी 6000 जौन पद हऊ कहना में तो अथर्व वेद में बा ठीक आ ओमे मंत्र कही मंत्र के ही विचार कह जाला तो 731 गो बा ठीक बानू कहना में अथर्व वेद में कहना में अथर्व वेद में रहे ठीक बानू आ पढ़ रही जाई ऋग वेद के ब्राह्मण के दुगो कह जाला ए तेरे या कौशिक की ठीक ब्राह्मण ग्रंथ ऋग वेद के आ कही यजुर्वेद के तो ब्राह्मण ग्रंथ कहला तेतेरी आ सतपथ ये कहला कि ऋग वेद के बाद कौन सा आता है स्थल तो सतपथ ब्राह्मण के इहे ग्रंथ ह तो उहे ना जो हुआ इन जो कहाँ से सतपथ ब्राह्मण कहता यही मेले कहला कि ऋग वेद के बाद यजुर्वेद के स्थान अवत सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अवत स्थान ठीक चाहे तय तेरी के अवत उहे बतिया भाई सामवेद कहता है सामवेद कही तो ओ में धर्म ग्रंथ ई ब्राह्मण ग्रंथ तो ई हो जी तार का ची सामवेद में 25 आ ए में अथर्व वेद में बतल रही तो गोपथ अथर्व वेद में गोपथ ठीक है ना तो उहे कह दी कि सामवेद के बाद किसका स्थान आता है तो गोपथ के वैसे ही समझ लो सामवेद के बाद किसका स्थान आता है अथर्व वेद के अथर्व वेद में ब्राह्मण ग्रंथ का हो गोपथ क्लियर हो गए ना चलो सर कगो 8 गो कहनी है ना चलो आगे देखो जाऊ मत्स्य पुराण पहले पुराना हो ठीक है ना पुराण में तो ई का हो आंध्र सतवाहन से संबंधित बा ना ठीक मछलिया वही में राजा जौन बा धीरे धीरे बढ़त गोइल वही बारे में बा कह रहा है कि विष्णु पुराण ई मौर्य वंश से संबंधित ओकरा बाद आगू लो वाई पुराण जौना में ई गुप्त वंश से संबंधित बा यही में वामना अवतार में मिलल रहन माने छोट रहन ब्राह्मण जाति के रहन नटखट रहन ये कहलन कि राजा जी हमारा के कतन है तीन पग धरती दे दो तो कहलन कि वाह बा तारा के तीन पग दे दे आ तीन पग देलन तो उनको के धके नाप देलन ठीक तीने पग में नापलन ना चलो अब हमनी के का देखल जाऊ कि हमनी के चले के रहे तनी में का कहला विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी ठीक कौन कौन विदेशी आई रह का जानकारी दिले रह एक बारे में हमनी के थोड़ा सा देख लिया कह रहा है कि पहले आई रहे टेसियस टेसियस एगो वैज्ञानिक इतिहासकार हाँ तो हाँ इतिहासकार इतिहास चलत ना इतिहासकार तो टेसियस ने ईरान के एगो राजवैद्य वैद्य के मतलब समझे ला जा चिकित्सा से जुड़ल जैसे पहले जड़ी बूटी से जौन काम करत रह उपचार करत रह के का कह जाला वैद्य कह जाला तो ईरान के रहे टेसियस टेसियस कहाँ के रहे ईरान के रहे इराज वैद्य रहे ठीक अब सुनो कह रहा है कि भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय रहे ई का कैलस न कि भारत के बारे में ऐसा चीज बतैलस न विवरण माने उल्लेख कैलस बारे में बतैलस चर्चा कैलस ठीक कि ई आश्चर्यजनक कहानी लिखलस मतलब उ देखे में लागत रहे कि भारत के कहानी नीचे लिखल है बढ़ा चढ़ा के खूब ऐसा ऐसा लिखलस उटपटांगनु कि कहलस कि एक कहानी अब फेल एक हिस्ट्री अब ना पढ़ल जाए इतिहास गलती पढ़ावता का करता गलती अपन बारे में लिखल है भारत के ठीक बानू बढ़ा चढ़ा के उल्टा पलटा लिख दिलस अब कह रहा है कि हेरोडोटस आया ठीक ये करे के कहनी जा हमनी के इतिहास के बाबू पिता ठीक बानो हेरोडोटस के ठीक ये लिखल रहे हिस्टोरी का पुस्तक ठीक है ना तो ह से हेरोडोटस आ देखो इस याद करे के तरीका ह से हेरोडोटस आ ह से हिस्टोरी का पुस्तक लिखलस तो हिस्टोरी का माने हिस्ट्री हो गई हिस्टोरी का माने
हिस्ट्री समझिया गलूँ तो यही से करे कि क्या कहल जात रहे इतिहास के पिता कहे लगल तो हस हेरोडोटस आ हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखल तो हिस्टोरिका मैंने हिस्ट्री समझ लो तो इतिहास के का हो गई बात हो गई पिता ठीक है ना। तो इसने का किया कि इतिहास के पिता कहा जाता है आ इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से 5 शताब्दी पहले के 5 साल पहले के बात कहता कि ईरान भारत ठीक मानो भारत ईराने के कहल जला तो कह रहा है कि ईरान और भारत के संबंध में वर्णन किया था कौन हेरोडोटस कावना में हिस्टोरिका में आ करे के का कहल जला हिस्ट्री के पिता कहल जला क्लियर कह रहा है कि परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित रहे इहो माने अफवाह तनि सा लिख दिल रहे ठीक कौन हेरोडोटस ठीक है न लेकिन फिर भी एक का कहल गई इतिहास के पीते कहला इतिहास के पिता कहल जला ठीक वैसे ही आवेला हई हिपोक्रेटस ठीक है न हिपोक्रेटस इ का हो चिकित्सा के विज्ञान के का हो जन चिकित्सा के जनक हो कहल जला न इहो सन कहावा का करत रहनु कि इहो उल्टा पुल्टा काम कर देत रहे और जौन रहन हो का कहलन जॉर्ज वाशिंगटन तो उनका के मुंगावे के एक कारण रहे फलस न कि देख खून चेंज कर देव न खून चेंज कर देव तो तार शरीर एकदम स्वस्थ हो जाए बीमार रहत तो का कैलस कि उनका शरीर में ब्लड काट के नियम से ब्लड निकलवावे लगल आ ब्लड निकलवावे लगल तो जाके का हो गल मर गल चढ़ रही ना उतारे लगल उनकर ब्लड सब का हो लेकिन फिर भी के का कह जला चिकित्सा के जनक कह जला पिता के करा के हिपोक्रेटस के वैसे ही इो बाटे अफवाह में छाप दिलस तब एक के का कह जला इतिहास के पिता कह जला ठीक है ना तो कहता ना लैके नया में का कहियम वैसे कहियम कहियम कि इतिहास के भाई पिता कह जाओ तो भाई बढ़िया बढ़िया लिख ले हुई लेकिन लूसेंट गलती ना दी कहता कि ये फवाह हो तो निशा बात कैले रहे ठीक है न आश्चर्यजनक कह दी तो दोनों में अंतर सुन लो अफवाह कही तो हेरोडोटस आश्चर्यजनक कह दी तो वो हो जाए कौन टेसियस दोनों में यो अंतर दे सकेला। अब सुनल जो आगे कह रहे कि सिकंदर के साथ आने वाला लेखक 3 गो रहस निर्याकस ठीक है न निर्याकस ई लेखक हो आ एगो अथियो हो सेनो हो निर्याकस सेल्यूकस निकेटर रहे ना जमान तो सेना नायक रहे ठीक तो उ रहे सेना नायक आ ई रहे जल वाला सेना नायक हाँ निर्याकस समझ में आई दू गो सेना नायक रहस एगो सेल्यूकस निकेटर आ एगो रहे ई निर्याकस तो ई का रहे जल वाला जल में मतलब ने भी कैसे बाहनी हो रहे ततवा पिया वैसे ही रहे जल वाला मैंने जल में लड़े के क्षमता रखत रहे तो निर्याकस रखत रहे तो ये एगो ई लेखको रहे सिकंदर के साथ आने वाला ठीक है ना यही से देता कि सिकंदर का सेनापति था कौन वो रहे ना और कौन कहा था सेल्यूकस निकेटर आ सेल्यूकस निकेटर के रहे राजदूत कौन मेगास्थनीज रहे न तो वह देता वैसे ही दिल रहा है ठीक तो कह रहे कि निर्याकस लेखक रहे एगो रहे आने सिक्रटस आ एगो का नाम है अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय रहा माने सिकंदर के बेरी अलस तो ये कनिक जवन लेख लिखलस बारे में भारत के ई बहुत बढ़िया से लिखलस ठीक यही दिया है मेगा स्थनीज इका रहे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत रहे तो पहले सिकंदर के सेना नायक कहला तो सेल्यूकस निकेटर ठीक है न तीनों हो गई सिकंदर आ सेनानायक आ सेल्यूकस निकेटर तब न सिकंदर के सेनानायक सेल्यूकस निकेटर आ ओकर राजदूत कह दी तो कौन हो गई मेगा स्थनीज आ एगो जल वाला सेनानायक कही सिकंदर के तब हो गई निर्याक ठीक है न उल्लेखको रहे क्लियर हो गई। अब आवल जी आगे कह रहा है कि मेगा स्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था इहे न आई रहे ठीक आ ये सेल्यूकस निकेटर हटे का कैलस अपन लड़की के शादी के करा ले करल चंद्रगुप्त मौर्य से ठीक है न तहो आगे मिली बढ़िया से आगे सुनो कह रहे कि अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगिन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा था मेगास्थनीज ने ठीक
मौर्य के बारे में म से मौर्य युगीन आ म से मेगास्थनीज का किया चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में इहे वर्णन कैलस काहे कि ओकरे शासन काल में नुआई रहे। चलो इ दहेज में एगो सारे रहे समझ ठीक बा न हो। चलो ठीक बा चंद्रगुप्त मौर्य के आगे सुनो कह रहा है कि डाइमेकस उसके बाद यह सीरियन नरेश अंती योकस का राजदूत था। ई कह दिन सीरियन के एगो नरेश रह जैसे हमनी के कैसे कहनी जब प्रधानमंत्री तो वही जिनके कह रहे नरेश राजा कहा के सीरिया के तो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था डाइमेकस जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। आ इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। तो भाई जवन बिंदु देखो चंद्रगुप्त मौर्य में आई तो वह मौर्य से संबंधित बताई फिर बिंदुसार उनकर लड़का बा उनकर में आई तो मौर्य युगिन बताई चाहे चंद्र अथी अशोक के शासन काल में आई तो मौर्य युगिन बताई तो वह देता। तो डाइमेकस आया मेगास्थनीज के बाद डाइमेकस आया ठीक। अब सुनो आगे कह रहा है कि डायनोसिस डायोनिसियस डाइमेकस के बाद आई डायोनिसियस डाइमेकस के बाद डायोनिसियस आई। इसने क्या किया कि यह मिस्र के नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। डाइमेकस रहे सरिया के ठीक है सीरिया के आई डायोनिसियस जो रहे मिस्र के रहे ठीक मान लेखक तो जो अशोक के राज्य दरबार में आया था। इ तीन गो आई पहले मेगास्थनीज आई चंद्रगुप्त में उनकर लड़का कौन भैलन बिंदुसार बिंदुसार में कौन आई डाइमेकस आ डाइमेकस से नीचे आ गई डायोनिसियस डायोनिसियस इ केकरा अशोक में तो अशोक के राज्य दरबार में आया था। अब सुनिए कह रहे टॉलमी उसके बाद टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत के भूगोल नामक पुस्तक ई कब लिखल दूसरी शताब्दी में मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के दू साल बा दू शताब्दी देते हो दू सौ साल न दू सौ साल दू सौ साल बाद ठीक दूसरी शताब्दी में आया ठीक। दशक कहाला ऊ दस साल के दशक कह जला। अब सुनो तो इसने भारत का भूगोल लिखा कौन टॉलमी आ पिलनी एगो आई इसने पिलनी पिलनी तब पिलनी ने क्या किया कि ये प्रथम शताब्दी में ये आई रहे ये प्रथमे शताब्दी में आई रहे पिलनी पहले ये नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री ठीक है ना यानी प्राकृतिक हिस्ट्री के बारे में कह रहे कि इसमें हिस्ट्री ऐसा लिखल सुनू कि भूगोल सुगोल सब ला दिल पेड़ पौधा पंछी संछी सब यही से एक नेचुरल नेचुरल हिस्ट्री कहला मैंने प्रकृति के देखते हुए लिखा था कौन पिलनी प से प्राकृतिक प से पिलनी एक कौन प्रथम शताब्दी में आया आ इसने पशु भारत के पेड़ पौधा खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है पिलनी गला में केवना में पिलनी के आ कौन पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद आया कौन तो एगो आया था पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी तो एकरा में कुछ खास ना मिलेला ठीक है नामो ना रहे कि के लिखल रहे ठीक है ना पुस्तक के नाम हो ठीक है के लिखल रहे एकरा बारे में नहीं पता। ई आई रहे असियावा अस्सी जौन बा ना अस्सी ईस्वी में आई रहे ई हिंद महासागर के यात्रा पर आया था आ इसने भारत के बंदरगाह तथा व्यापार के बारे में लिखल। तो भाई जवन समुद्र के ओरे आई तो बंदरगाह है न देखी आ बंदरगाह ओरे देखी कि नाए पे कैसे बालू ढोवाता कैसे मरचाई या लहसुन प्याज जाता ये सब न देखी व्यापार तो दू गो के बारे में लिखल व्यापार और बंदरगाह के बारे में कौन इक्कीस में मिलता है तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में ठीक एक लेखक के नाम नहीं के कौन आई ला कौन लिखल सा गोई। अब आवल चीन में चीन के कगो लेखक रहन चीन के रहन चार गो छ से चीन आ चौसे चार बहुत बढ़िया बढ़िया भाई याद करे खातिर छ से चीन आ चौसे चार गो तो ये हमें का कहले रह सर पहले आई रहे फा फा के फाहियान ठीक तो ये आई के करा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में
पापा के आई चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आई 14 बरिस तक रहल। ठीक बनो कितना बरिस 14 बरिस तक कौन फहियान। ठीक इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। ठीक बनो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था लेकिन ये उन्हें कहना लिखल मध्य प्रदेश में आ मध्य प्रदेश के बीचे बीच में जौन भारत बा एक बारे में लिखल। ठीक है न मध्य प्रदेश के जनता कैसे सुखी रहेला कैसे समृद्धि रहेला एक बारे में चर्चा कैलस थहियान चीन वाला। ठीक बनो चीन के कौ आई रह चार गो आगे मिली आई 14 बरिस तक भारत में शासन कैलस रहल मान रहल शासन ना कैलस रह। अब सुनो कर संजुगन आया उसके बाद में ये 3 साल रहल संजुगन जौन बा न ये 3 साल रहल। हाँ यो चाइने के रहे ये 4 गो चलता चाइना फाइयान फाइयान प्रथम हो संजुगन अलन ये 3 साल 300 वर्ष रहलन कस वर्ष 300 वर्ष रहलन 3 साल ना अच्छा हाँ बरस दिल हो चलो ठीक बा 3 बरिस। ठीक बा तो इसने 518 ईस्वी में आया था माने 6वीं शताब्दी में आया था। शताब्दी का मतलब समझे ला जाना जैसे कहे के मतलब 500 से 501 502 503 चले लगल आ जब तक ले 600 ना आई तब तक ले 6वीं शताब्दी कहलाई। ठीक बा न कहें कि 6वीं शताब्दी खुद आ जाई तो फिर तो जब 6वीं शताब्दी के बाद स्टार्ट होके लगी तो 7वीं शताब्दी में आ जाला। ठीक बनू तो ये समझल जरूरी रहेला। हाँ तो शताब्दी कहला एक बरिस पहले ही से जौन 1 2 3 गिराए लगेला। ठीक बनू तो 518 कौना में आई 6वीं शताब्दी में कह रहा कि संजुगन 3 बरस रहल या 3 वर्ष के यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति ये सबसे पहले कैले रहे बौद्ध धर्म के प्राप्ति एकत्रित कैलस कौन संजुगन। आई ये 3 साल के बाद गोइलू जब 6वीं शताब्दी में कहाँ गोइल चाइना तो उन्हें से आवत कौन 7वीं शताब्दी में उन्हें से आवत हेनसांग खखुआई कहता कि तू हूँ भगवान के देखले कहलस कि हम गोइल तैनल कहता कि हम भगवान के देखले बनी भगवान के बारे में यही जानकारी मिलल बा। ठीक बनू वही दिन से तो कहलस कि तू हूँ बारे में देखल तो जा जा तू हूँ जा तू जा उन्हें से उन्हें से वो आई दादा आई। ठीक हाँ आई आई तो जानते कितना बरिस रहल 15 बरिस के बार के रहल पहल का फाइया रहल कितना बरिस 14 बरिस तहू तो मान तनी कि अपन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आइल आ मध्य प्रदेश के बारे में दिलस कि कितना सुख वाला कितना समृद्ध वाला आ ई आई तो 3 बरिस रहल कौन संजुगन ई आई 6वीं शताब्दी में 518 ईस्वी में आ ई का कैलस कि बौद्ध के थोड़ा बारे में जानकारी प्राप्त कैल आ ई गोइल चीन में तो चीन में गोइल तो भाई जाके चर्चे न करी कि यही जिंगो एगो भगवान रहन ऐसन ऐसन बाहन उनका बारे में मिलत तो जानकारी तो एने से गोइल कुछ कागज बटोर के लेके गोइल तो उन्हें से उन्हों से उहो आई रह कौन हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्ष जौन कहला हर्ष हर्ष के शासनकाल में आई हेनसांग। ठीक बनू हर्ष हेनसांग। ठीक बनू तो ई आई तो कहलस कि हम 15 बरिस तू 3 बरिस बितैल हम 15 बरिस बिताई तो 15 बरिस बितैलस आ ई जानकारी लेलस बढ़िया से भरपूर बौद्ध धर्म के तो जाके आई है का भई रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय जब बन रहे ना तो नालंदा विश्वविद्यालय में आके जानकारी पढ़लस जानकारी लेलस प्राप्त कैलस। ठीक जानकारी कौन प्राप्त कैलस हेनसांग तो 629 ईस्वी में आया माने 7वीं शताब्दी में। हाँ आ कह रहा है कि 1 वर्ष यात्रा के बाद माने 1 वर्ष एने उन्हें घूमल आ सर्वप्रथम ये भारतीय राज्य कपीसा पहुँचा कपीसा पहुँचा आ 15 वर्ष ठहर के 645 में का कैलस चीन लौट हुए तो 29 में आई ला 45 में लौटल तो कौ बरिस हो हाँ ठीक कह तो 1 साल भ्रमण कैलस आ 15 बरिस अपन जानकारी प्राप्त कैलस हो गल 16 बरिस मतलब टोटल 15 बरिस देता से हाँ 15 बरिस तक रहल रहे ठहर के। ठीक है और सुनो कह रहा है सुनो जा कह रहा है कि वह बिहार में नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध
ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाए खातिर आई रहे। जैसे रावण कैसे का कोई लस भगवान शिव के उठाई लस आ कहत कि हम अपना घरे लेके जाई, वैसे ही कहलस कि जितना बानू जानकारी सब हम अपना चाइना में लेके जाई। ठीक बा न, अब भगवान मतलब ही देखल ही ना रहे आजिंग करो से पहले कौन ले रहन विष्णु भगवान आ राम जी आ सब ले रहन श्री कृष्ण जी ओकरा पहले ही कहो आई बउरावा वही में भकु गई बा। और सुनो कह रहा है कि भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने आया इसका भ्रमण वृतांत सीयुकी नाम से प्रसिद्ध है। सीयुकी नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। बताओ 138 देश के बारे में हमें जानकारी मिलेगा। आ इसने हर्षकालीन समाज माने हर्ष के वरी शासन रहे ना तो ओकर समाज धर्म राजनीति के बारे में वर्णन कैल। ठीक बा न, वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा उस समय कौन थे? शूद्र। सिंध के राजा शूद्र कब इंसान के आई रहे जब। ठीक बा न, तो स से सिंध स से शूद्र। ठीक बा न, सिंध के राजा शूद्र कह रहे कि हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य आ शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। जेकरा शासन काल में अब आ पूजा करता तो भाई करो तो कुछ पूजा करब तू अपन करो देवी देवता के बाकी ना तो मार के खदेर ना दी बाकी ना तैयारी लेन सांग के करा। हर्षवर्धन के काल में तो हर्षवर्धन के माई बाबू चाहे दादा परदादा सब का करत रहन शिव जी के पूजा करत रहन तो इहो आके अपन भाई पूजा पाठ कैलस सूर्य जी के जल देतलस। ठीक बा न, सूर्य भगवान के भी पूजा कैलस शंकर जी के भी पूजा कैलस आ बुद्ध भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त कैलस। आ इहे कहलस का ची कहलस कि तारा के का पढ़ाई हिनयान पढ़ाई कि महायान पढ़ाई हर्षवर्धन के मिलजुल गई तो हिनयान के जान तो बताओ तनी हर्षवर्धन के का पढ़ेलस हेनसांग कि हिनयान में देखबन तो जीवन चरित्र के बारे में जानकारी बा महात्मा बुद्ध के आ महायान जौन बा न तई कहलस कि तारा के हम महान बनाई तो जीवन चरित्र के बारे में जान के का करब जान उनकर बारे में कि कैसे कैसे भगवान बोल रहन आ का कर। ठीक बा न, तरह के महायान पढ़ा के कहल का कैलस महान बना दिलस कवन हेनसांग के करा के हर्षवर्धन के। अब आगे सुनल जाओ। अब कह रहे कि हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति दे दिला तहसील भद्र सील भद्र रहन के रहे सील भद्र। अब सुनो यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए उघरी प्रसिद्ध रहे भगवान बुद्ध से सब पहले उघरी प्रचलित रहन तो उनका बारे में भी जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय में मिलत रहे। ठीक बा न, ओकरा बाद आई इत सिंह हाँ तो सातवीं शताब्दी में इहो आइल लेकिन अंत में आइल तो यही से अंत में चर्चा बा हेनसांग पहले आ गई 629 में हाँ आ एक बरिस घूमल ओकरा बाद 15 बरिस और बीतल 645 में लौट के चल गई। ठीक बा न, आ सिंह जवन आया इस सातवीं शताब्दी के अंत में भारत आया इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय आ विक्रमशिला विश्वविद्यालय घड़ी बन गई रहे। ठीक बा न, लास्ट में आई रहे क्या सातवीं शताब्दी के भेरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन रहे के रहे पाल वंश के संस्थापक रहन गोपाल। गोपाल पहले ग आवेला कि पहले ध आवेला? पहले ग आई तो पहले गोपाल संस्थापक रहन आ उहे ओदंत पूरी विश्वविद्यालय के स्थापना कैलन के गोपाल। तई कहलन धर्मपाल कि तू बड़ तो ओदंतपुरी के चर्चा कैल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय लेकिन एक चर्चा उतना नहीं खे हम तोहरे से बढ़िया विश्वविद्यालय बनाब तनि कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहवा भागलपुर में तो यही से देखल उदनपुरी के उतना चर्चा ना रहेला आ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के चर्चा रहेला माने बढ़िया एकदम विश्वविद्यालय बनैलस उनकरो ले बढ़िया तो पहले उदनपुरी बनैलस गोपाल गोपाल पालवंश के संस्थापक ओकरा बाद के आई धर्मपाल तो विक्रमशिला बनैलस। ठीक बा न, तई का कैलस इत सिंह जवन रहे न चाइना वाला तो का कैलस कि नालंदा में कहलस कि तू तो अभी हेनसांग के जानकारी गोइलन हेनसांग पोइजिंग
कहलस कि तू कावना में प्राप्त कैल हा जानकारी, तो कहल हम कि वही जिंग नालंदा विश्वविद्यालय खुलल बा, हम ओह में जानकारी प्राप्त कैनी है। के कहल हो बदले के हो तारवा खराब हो गई बा, थोड़ा न हटाब कि हम सांग से पूछलस कि तू कावना विश्वविद्यालय में जानकारी प्राप्त कैल हल, तो कहत कि ओ घड़ी बनल बा नालंदा विश्वविद्यालय, हम ओह में जानकारी प्राप्त कैनी है। तो कहलस कि तू वही में प्राप्त कैल हल, आ हम जान जा तनिनू तो एगो और तैयार बा विश्वविद्यालय, कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आ गोइल है जिंगा मानू तो नालंदो में प्राप्त कैलस जानकारी आ विक्रमशिलो में प्राप्त कैलस, कौन इत सिंह इस सातवीं शताब्दी के लास्ट में आई, ठीक है ना। तो दोनों में प्राप्त कैलस, अब सुनो तो प्राप्त क के अब का कैलस भारत विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया, माने जब आई तो इहो भाई अपन थोड़ा बहुत बारे में जानकारी प्राप्त कैलस आ एक बारे में चर्चा कैल। तो पहले आई फहा के फहियान चाइना से, चार गो आई रहसन चाइना से, कौन आई फहियान क बरिस 14 बरिस के कारा काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है नू। आई कहाँ के जानकारी दिलस होने मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के समाज के और समृद्धि के बारे में, सुख सम्पत्ति के बारे में जानकारी दिलस कौन फहियान। ओकर बाद कौन आइल संजुगन, ई केतना बरिस रहल 3 बरिस रहल, 3 बरिस रहल तो 3 बरिस रहल तो थोड़ा बहुत का कैलस बुध के बारे में जानकारी प्राप्त कैलस, कौन संजुगन। आ संजुगन गोइलू तो वही दिन चर्चा कैलस कि भगवान एगो पैदा लेल रहन वही जिंग कहवा भारत में, तो हेन सांग कैलस कि जानकारी प्राप्त कैल हल, तो कहलस कि हाँ तो कहता कि तब हमू जा तनि अब तो उहो आइल ओने खखू आइल, ठीक। तो कब आइल 7वीं शताब्दी में, ठीक है नू। तो आइल 7वीं शताब्दी में हेनसांग, तो हेनसांग के करा काल में आइल हर्षवर्धन के काल में आइल, ठीक। तो हर्षवर्धन के काल में आइल तो हर्षवर्धन करत रहन शिव जी के पूजा, तो शिवो जी के पूजा कैलस, सूरज भगवान के भी पूजा कैलस, आ कहलस कि इनका के मिला जुला के चले के बाद तो शिवो जी के पूजा करे के पड़ी आ सूर्य भगवान के करे के पड़ी, आ हम आइल बनी तनि बुध बारे में जाने के, बुध भगवान के बारे में जाने के, तो बुध भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त कैलस कौन हेनसांग। आ नालंदा विश्वविद्यालय में गरीब बुद्ध भगवान के चर्चा चलत रहे ओहू में, तो ओह में बारे में जाके का कैल शिक्षा ग्रहण कैल, तो ए में दे दिलक हिनयान। तो हिनयान कहनी हनु कि जीवन चरित्र के बारे में दिले बा, कौना में हिनयान में। आ महायान में दे दिलस तो सब माने महान बनाबे के कार्य कि कैसे महान भई रहन, तो कहलस कि अब तारा के हेनसांग ना पढ़ाई हिनयान ना पढ़ाई, हेनसांग कहल का पढ़ाई में महायान पढ़ा के महान बना के चल गई। आई कब आई रहे 629 में आई, 1 बरिस घूमल आ 15 बरिस जानकारी प्राप्त कैल, ठीक मानू। आ 645 में लौट गई, अब ई लौट के गोइल तो पूछल बतैलस मैंने चर्चा कैलस बुध के बारे में, तो कहलस कि तू कौना विश्वविद्यालय में पढ़ल हल, तो कहलस कि हमारा के बेरी तो नालंदा रहे, तो कहता लो हमारा के बेरी खुल गई विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक। गोपाल ओगरी गोपाल पालवंश के संस्थापक रहन उदमपुरी खोललन, उदमपुरी के बाद में धर्मपाल कहलन कि तोहरों से बाला हम विश्वविद्यालय बनाब तनि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कहाँ बा भागलपुर में। तो आके कहलस कि हम जाते तो दोनों में प्राप्त करब जानकारी, ये दोनों में प्राप्त कैलस। ओकर बाद में का कैलस कि भारत के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेलस, कौन इत सिंह लास्ट में, ये न बस इो चल गई चाइना चल गई नू। आय एक बारे में नहीं जानकारी देत, ये 7वीं शताब्दी के अंत में आई रहे, ठीक बानू। तो चार गो कौन कौन, पहले फहियान, तब जाके संजुगन, तब जाके हेनसांग, आ तब जाके इत सिंह, हो गई चाइना के चारो, चाइना के चारो खत्म। उहे देला कहलस है कौन कहला कौन कहला हो गरी, अरे 712 में कौन के शासन रहे, हाँ मोहम्मद बिन कासिम, कुतुब मीन, हाँ कुतुबुद्दीन एबकावा, तो कुतुबुद्दीन एबकावा के रहे सेनानायक कौन बख्तियार खिलजी। आ 1198 में का कैलस कहलस नू कि बनैले बा सब विश्वविद्यालय कनिक चर्चा में चलता, तो 1198 में कहलस नू कि इहो बनैले बड़न बढ़िया विश्वविद्यालय, कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो पहले ध्वस्त कैलस नालंदा के, आ नालंदा के ध्वस्त कैला के बाद में एकदम राख कह दिलस, तो पड़ गई केवना फेर में विक्रमशिला के, तो सबसे ज्यादा जरल छरल रहला कवना में नालंदा में, यही से नालंदा के चर्चा रहला, विक्रमशिला के चर्चा उतना
ना रहला जाके दूनों के ध्वस्त कर दिलस कहलस कि ना रही विश्वविद्यालय ना पढ़िए सकनो आके ठीक बानु। चलो अब आगे देखल जाऊ अरबी लेखक दूगो आई रह एक बारे में जान लिया अरबी लेखक कगो दूगो चाइना के कगो चार गो अरबी में दूगो अरबी में कहलस कि अल बरूनी एगो आई रहे इ मोहम्मद गजनवी के शासन काल में भारत आई रहे कहलस कि जा तल राजा जिन्हू तो हमारों के संगे संगे ले ले चल भारत कौन अल बरूनी ख्वारिज में या खीऊ आधुनिक में जौना के कहल जाए तुर्कमेनिस्तान कहे नहीं जान सोवियत संघ में आवत रहे न पहले तो उहे तुर्कमेनिस्तान के रहे वाला रहे आ मोहम्मद गजनवी के साथ का कैलस एंट्री कैलस भारत में अरबी में लिखी गई कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद जौना में भारत का खोज भारत की खोज के बारे में जानकारी मिलेला आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म दर्शन त्यौहार खगोल विज्ञान कीमिया जौन केमिस्ट्री शब्द कहला ना वह कीमिया हो ध्यान दिया जाए यही से कही ना कि सब जोड़ देव तो सब है मिला देव हिस्ट्री में चाहे जीव विज्ञान के जोड़ब अस्तु एहन यही में लगल देखत रही जा तो कीमिया केमिस्ट्री से आगे रीति रिवाज प्रथा सामाजिक जीवन भारतौल मापतौल एक बाद में क्या कहता मूर्तिकला कानून मापतंत्र माने सब चीज़ के चर्चा कर दिलस आदि विषयों के आधार पे 80 अध्यायों में विभाजित किया था कौन अल बरूनी और आई रहे कौन अरब के ना असे अरब असे अल बरूनी या के कहा संगे आई मोहम्मद महमूद गजनवी के साथ ठीक कह रहा है अगला कि इसमें राजपूतकालीन समाज धर्म रीति रिवाज राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है ठीक एगो आई ई बन बतूता एक अनिय के देख अ लेखा देता ना मान तो दोनों ई अरब के रह ठीक अरबी लेखक रह तुर्कमेनिस्तान के रहे कौन अल बरूनी या ई अरबी लेखक रहे तो ई का कैलस जिसने यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है ठीक अल बरूनी द्वारा ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और का कहनी है हम का कहनी है अल बरूनी कहनी है कि पहल का रहे बोलनी है गलती का हो चलो बोला गुली मान तनी ओकर बाद इबन बतूता हो गलू माने एगो अ से एगो ई से आई और भी दूगो देखक अ से आ ई से अल बरूनी आई तो सब चीज के बारे में जानकारी दिलस आ इबन बतूता आई ना तो 14वीं शताब्दी में भारत में आई ला सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में क्या किया बहुत ही प्रचुर एवं सबसे रोचक जानकारी देलस ठीक है ना बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी दिया कौन इबन बतूता ई कहाँ के रहे मोरक्को के रहे ना ये रहे ना इबन बतूता मोरक्को के आ अल बरूनी कहाँ के तुर्कमेनिस्तान के तुर्कमेनिस्तान हाँ सोवियत संघ में जौन आवेला कह रहा है कि 1333 में तो इन 14वीं शताब्दी का ही तो यही के बेरी आई आ दिल्ली पहुँचने पर इसने विधवता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी एवं न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कैलस जवन मोहम्मद बिन तुगलक रहे ना तो ये एकरा के 1300 कहा रहे 1320 में एकर शासन रहे 1320 तक मोहम्मद बिन तुगलक मन के तुगलक है मन रहे ना तो वह कहता कि वो घड़ी आई तो दिल्ली के काजी बना दिलस एकरा के मुख्य 1333 में दिल्ली में गाजी बनाया था अच्छा हाँ 1320 ले प्लस ठीक बा हम 13 सोच लेनी ठीक बा 1333 में आई ठीक बा ना एक के का कैलस एक शासन काल 1320 से लेनु स्टार्ट तो ई का कैलस एक दिल्ली के गाजी बनैलस यानी न्यायाधीश बनैलस अब दूगो अन्य लेखक बालन अल बरूनी हो गलन अरब के तुर्कमेनिस्तान के इबन बतूता हो गलन कहाँ के मोरक्को के आ फाहियाना हो जौन रहे कौन चाइना के रह फाहियान संजुगन हेनसांग और इत्सिंग हो गल सन अब आवल अन्य लेखक तारानाथ यह तिब्बती लेखक था तारानाथ अ तिब्बत देख तल जान चाइना वाला तो यह तिब्बत के लेखक रहे इसने कंगयूर आ तंगयूर नामक ग्रंथ की
रचना की आ इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दिया था। कौन? ताराना। कहाँ के रहे? तो से ताराना, तो से तिब्बत, सब एक लेखा नाम बा, ध्यान देवे के बाद तो से ताराना था तो से तिब्बत। तो ये भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत दे लो। आ कंगयूर तनयूर दू गो ग्रंथ दे दिला इनकर से संबंधित हटे। कहरे एगो आई रहन मार्को पोलो, इहो 13वीं शताब्दी में आई रहन। 13वीं शताब्दी के अंत में अलन तो घड़ी चलत रहे पांड्य वंश। कौन वंश? पांड्य वंश। 13वीं शताब्दी में आ 14वीं में आई रहे कौन? इबन बतूता बा। तो वो घड़ी कौन के रहे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन रहे। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया, पांड्य देश की यात्रा पर आया आ इसका विवरण पांड्य इतिहास से मिली। तो हम तो सिंपल बतैनी है कि जमुना के बेरी जमुना आई लोग बारे में लिखी, तो पांड्य के बेरी आई तो पांड्य के बारे में लिखल। दिक्कत नहीं है ना? अब समझ गए लेखक कैसे कैसे बाला सौ। चलो कह रहे हैं कि पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य मिलने की जानकारी, कैसे कैसे क्या क्या पहले मिलल रहे ओकरा बारे में जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अगर किसी को कहा जाता है तो वो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम, हाँ सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक, चाहे बाप कहो पितामह। कह रहा है कि 1400 ईसा पूर्व, सुना है में, कह रहा है कि 1400 ईसा पूर्व के एक पूर्व के अभिलेख जिसका नाम है बोगाज कोई, बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र आ नास्त्य, नासत्य नासत्य ओकरा के कहल जाला। जौन ना कहनी अश्विनी देवता ना एगो लिस्ट में पढ़ब जा सब वरुण के बारे में अथी के बारे में सूर्य के सब पढ़े न तो वह आशीवन देवता अश्विनी के बना के कहल जाला नासत्य। ठीक है ना? सत्य। तो वह कहता कि 1400 ईसे भी ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई जिसे एशिया माइनर कहा जाता है, हाँ बोगाज कोई, इसे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और ना सत्य जिन्होंने अश्विनी कुमार के नाम में मिलते हैं। कह रहा है कि भारत, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में उगरी कौन रहे? भागवत धर्म प्रसिद्ध रहे, विकसित रहे मध्य भारत में। तो ओकर प्रमाण अगर कहीं से मिलेला तो यमन के राजदूत रहे कौन? होलियोडोरस, होलियोडोरस के बेस नगर, बेस नगर कहल जात रहे विदिशा के, बेस नगर कौन के कहल जात रहे? विदिशा के। आ गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। विदिशा जौन बेस नगर बा कौन अभिलेख? गरुड़ अभिलेख से संबंधित बा। सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलेला। हाथी गुफा अभिलेख बा न, वही में सर्वप्रथम भारत वर्ष के जानकारी मिलेला। ठीक बा न? सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौ गौरा अभिलेख है, सौ गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने वाला रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सौ गौरा अभिलेख है। आ ये अभिलेख में खाद्यान्न सुरक्षित रखने वाला भी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है न? सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कह रहे हैं कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण, केवल आक्रमण, हूण आक्रमण के जानकारी मिलेला भीतरी स्तंभ लेख से। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन वंश राजाओं का पूरा इतिहास किस कहाँ से लिखा गया है? उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। हाँ, रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होला? तब मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नौ पाषाणी के पूरा स्थल जमुना कमनी के का कहनी जा? बुर्ज होम वही जे का होता रहे जम्मू कश्मीर में ना, बुर्ज होम एगो जगह बा
वही जिनका होत रहनु कि माने आदमी मर गुलम कौन न राजा तो उनकरा संग संग एगो सेवक रहे कुत्ता उनकर पालतू तो ओकर के धीरे धीरे माने साथे साथे का कहि जात रहे दफना दिहल जात रहे कावना में बुरझोम में चला आगे मिली कह रहे कि कश्मीरी नौ पसानी पूरा स्थल कौन पूरा पसानी के ना नौ पसानी पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तवास यानी गड्ढा का घर का साक्ष्य मिला है। गर्तवास का अर्थ होता है गाढ़ा का घर। जैसे पहले का होता रहे कि हमनी के जौन घर होते रही से खपड़ाई लवा न तो देखा जा तो घुसत रही जा तो नीचे खाला में ढुलू कर जा रहे न सीढ़ी बनत रहे सीढ़ी में ले जाए जा घर में नीचे जाए के रहे तो करे के कहल जला गाढ़ा के घर यानी गड्ढा घर ठीक है न तो करे के कहल जला गड्ढा गर्तवास घर कह चाहे गाढ़ा के घर कह ठीक है न सही बानू हो ए सीनियर भैया सही बानू बोलत रह माने गलती बोलत नी अना पीछे लगावत रही ब्रेक गलती हुई तो छोड़ दो करे चले दो वो से का दिक्कत चल आया बहन कह रहा है कि इनमें उतरने के लिए क्या बनाई गई थी सीढ़िया जैसे पुराना पुराना घर देख लही वाला जा सीढ़ी बनल रहता है। कह रहे यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया है सबसे पहले के सिक्का के आहत सिक्का कहा जाता है ठीक है न सबसे पहले के सिक्का को आहत सिक्का कहा गया है ठीक। एगो गाना सुन ले वाला जानो तुम्हें तेरी आहट से पहचान लूंगा तो पुराना कोई प्रेमी रहेला तो ओकरा के का कहि जाला आहट से पहचानल जाला ठीक। तो उहे कहता कि सबसे प्राचीन सिक्का जौन बा न सुन याद करे के नियम जौन बा अगर तार पुराना प्रेमी रही ओकरा के आहटे से पहचानबो हो जैसे छोड़ो हटाओ कह रहा है ना प्राचीन सिक्को को आहत सिक्के कहा गया आहट ना यह में आहत कहा गया ठीक आहत सिक्को कहा गया है। कह रहे इसी को साहित्य में कसारपण कहा गया है। साहित्य में क्या कहल भाई करा के कसारपण कहा गया है। प्राचीन सिक्को को आहत कहा जाता है आ इसी को साहित्य में कहा जाता है अगर तो कसारपण कहा जाता है क्लियर। अब आओ सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था यवन यवन हो देश बन हो तो इन्हें के जब रह सही है सब का मिल सो सिक्का पे लिखे लगल सो सिक्का पे लेख लिखने का कार्य किसने किया तो यवन शासन। अब भाई तनी महत्वपूर्ण अभिलेख भाई करो के घीच घाच दिया हाथी गुफा अभिलेख देला ठीक है न तिथि रहित अभिलेख तिथि का मतलब समझे ला जान डेट डेट तारीख तारीख रहित अभिलेख कही तो हाथी गुफा अभिलेख इकावना में शासक तो कलिंग राज खारवेल हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल उड़ीसा न चलो कह रहे कि जूनागढ़ गढ़ कही तो गुजरात में बा एकरे के कहल जाला गिरनार अभिलेख चाहे जूनागढ़ अभिलेख तो गिरनार के पहाड़ी उहे न गुजरात में बा गसे गुजरा तो गसे गिरनार तो एकर शासक घड़ी रुद्र दामन एगो दिला नासिक महाराष्ट्र में बा न तो नासिक अभिलेख दी तो गौतमी बलश्री हाँ नासिक कही तो गौतमी बलश्री प्रयाग स्तंभ माने हाँ इलाहाबाद वाला तो एकर शासक के रहे समुद्रगुप्त ठीक बा न जहाँ नदी के ज्यादा मिलन हुई वही जिन समुद्र लेखा बनबे करी तब प्रयाग में कौन गंगा जमुना सरस्वती कहत रही न तो समझ कि यही जिंगा बा एक करे के का बा शासक के का हो जाई समुद्रगुप्त हो जी नु हाँ तो प्रयाग स्तंभ के का कहल जाई समुद्रगुप्त एगो आवेला एहोल अभिलेख एक के शासक पुलकेसिन द्वितीय एहो अभिलेख पुलकेसिन द्वितीय मंदसौर अभिलेख आ मसे मालवा नरेश यशोवर्मन मसे मंदसौर अभिलेख आ मसे मालवा नरेश यशोवर्मन शासक एगो दिला ग्वालियर मध्य प्रदेश में बा न ग्वालियर तो ग्वालियर के प्रति नरेश भोज
प्रतिहार नरेश भोज ग्वालियर के प्रतिहार नरेश भोज एगो दला भीतरी गढ़ देखो सुनो भीतरी आ चाहे जूनागढ़ दोनों मिला के दी तई हो जी स्कंदगुप्त भीतरी आ जूनागढ़ अभिलेख मिला के दी तो स्कंदगुप्त आ जूनागढ़ अभिलेख खाली कही तो रुद्र दामन ठीक मानो एगो हो गई लास्ट देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन बंगाल शासक विजय सेन तो जवन है देखो रेड बा रेड में जवन मान हो क्लिप है कुल मेन मेन तो एक के याद कर लिया जा आ हमन के जवन अब पढ़ाई जन मानती करेंट जो पढ़ाई ना तो यो कुल चलावत रही धीरे धीरे ठीक मानो मुजबानी अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा गया है इपिग्राफी इपिग्राफी आ समुद्रगुप्त एक ऐसा है जिसने बीणा बजाती हुई मुद्रा का उस पर क्या मिला है साक्ष्य मिला है चित्र मिला है ठीक है ना संगीत प्रेमी होने का इससे परिमाण मिलता है प्रमाण मिलता है कि समुद्रगुप्त क्या रहे संगीत के प्रेमी रहे ठीक है ना ये करे मिलल बीणा बजाती हुई मुद्रा पर संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है किसका समुद्र तो स से समुद्रगुप्त आ स से संगीत प्रेमी स से समुद्रगुप्त आ स से संगीत प्रेमी क्लियर हो गए अब चला जा एगो सुना अरिकमेड़ू जौन पुदुचेरी के निकट में ना तो अरिकमेड़ू से रोमन सी के प्राप्त हुए थे रोमन सी के कही तो अरिकमेड़ू से प्राप्त हुए जो पुदुचेरी के निकट कहाँ रहे अरिकमेड़ू दिला कहीं कहीं तो कहबा जा कहाँ बा तो पुदुचेरी ओर बा ठीक बानू ओकरे के हाँ तो वे देता पुदुचेरी के निकट देता है मैं हाँ ठीक कहत बनी पुदुचेरिये के पहले कहल जा ठीक बा हाँ ठीक ठीक बा तो हमें दिले बा कि पुदुचेरी के निकट दिले भाई हमें निकट चलो उ सही कहत हम एक बार पढ़ल भाई दे देखो कह दी सुनो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है जिसे साहित्य में का प्रसारपण कहा गया है हो गई अब सुनो समुद्रगुप्त के का मिला रहे संगीत प्रेमी के होने का प्रमाण मिला रहे कहाँ पे सिक्का पे बीणा बजाते हुए ठीक है ना आइए गो दे दी है अरिकमेड़ू जौन पुदुचेरी में रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे आगे अब चलावल जी काल से ठीक दिक्कत नहीं है ना चलो जा।